हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु के बारे में, और वास्तु में भी हम बात करेंगे शेप्स के बारे में कि कौन सी डायरेक्शन में हमें कौन सी शेप को जो है वो रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पंच तत्व के बारे में। आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो पंच तत्व से मिलकर बनी है, जिसमें कि जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इन पांचों तत्वों को मिलाकर के ही हमारी बॉडी बनी है। इनफैक्ट पूरा ब्रह्मांड जो है इन्हीं पांच तत्वों के ऊपर जो है वो बेस्ड है। दोस्तों, इस फोटो को देखिए, इसमें आपको दो सर्कल दिख रहे हैं, एक तरफ टॉप वाला और एक बॉटम वाला। जो बॉटम वाला है वो वास्तु का है और जो टॉप वाला है वो फेंग शुई का है। अब ऊपर वाले में नॉर्थ जो है वो जल है, ईस्ट वायु है, साउथ अग्नि है, वेस्ट आकाश है और सेंटर में पृथ्वी है। तो ये फेंग शुई को जो है वो डिनोट करता है। और दोस्तों, जो बॉटम वाला सर्कल है इसमें नॉर्थ वेस्ट वायु, नॉर्थ ईस्ट जल, साउथ ईस्ट अग्नि और साउथ वेस्ट पृथ्वी और सेंटर में आकाश है। तो दोस्तों, ये जो सर्कल है ये वास्तु को डिनोट करता है। अब दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर एलिमेंट के बारे में। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ का जो है वाटर एलिमेंट है, और यहाँ का जो कलर है वो है नीला, और यहाँ की जो शेप है वो है वेवी शेप। तो वहाँ पर आप जो भी पैटर्न लेंगे वो वेवी शेप में लीजिएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं वायु के बारे में, यानी कि एयर के बारे में। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ की जो शेप है वो है रेक्टेंगुलर शेप। और दोस्तों, इस डायरेक्शन का जो कलर है वो है ग्रीन कलर। फिर दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं फायर के बारे में। तो फायर यानी कि आग। तो जो फायर एलिमेंट है इसकी जो डायरेक्शन है, और इसका जो कलर है अकॉर्डिंग वास्तु वो है रेड कलर। तो वहाँ पर आपको रेड कलर लेना है। और दोस्तों, यहाँ की जो शेप है वो है ट्रायंगुलर शेप। फिर दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ एलिमेंट के बारे में, यानी कि पृथ्वी तत्व के बारे में। अब ये जो पृथ्वी तत्व है इसकी जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। यहाँ का जो कलर है वो है येलो, और इसकी जो शेप है वो है स्क्वायर। फिर दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं आकाश तत्व के बारे में, यानी कि स्काई एलिमेंट के बारे में। इसका दोस्तों जो कलर है वो है वाइट, और इसकी जो शेप है वो है सर्कुलर शेप। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को भी अगर ध्यान में रखते हैं तो एक तरीके से इनोवेशन है, यानी इंटीरियर में वास्तु का कॉम्बिनेशन है। और दोस्तों, किसी भी डायरेक्शन में अगर गलत शेप आ जाती है, क्योंकि अगर हम पूरा घर वास्तु के हिसाब से बना लेते हैं और इस तरीके का हम चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो फायर है और जो वाटर है दोनों एक दूसरे के जो है वो एंटी एलिमेंट हैं, मतलब एक दूसरे को जो है वो मारने की कोशिश करते हैं। पानी जो है वो आग को बुझाने का काम करता है। तो एक दूसरे से ये जो है जो एलिमेंट्स हैं ये शत्रु एलिमेंट हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जो वाटर एलिमेंट की जो शेप है वो है वेवी शेप, और कलर है इसका नीला। और दोस्तों, जो फायर एलिमेंट है उसका कलर है लाल, और दोस्तों जो शेप है वो है ट्रायंगुलर शेप। तो अगर आपने नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि जहाँ पे कि वाटर एलिमेंट है, वहाँ पे अगर आपने कोई भी ऐसी शेप बना दी जो कि ट्रायंगुलर शेप है, या फिर तो इससे भी जो है वो वास्तु के हिसाब से जो है गलत रहता है। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। तो अगर आप इन चीज़ों का भी ध्यान में रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।